छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से कर्नाटक में फंसे कबीरधाम जिले के दो श्रमिक युवक अपने घर वापस लौटे। दोनों श्रमिकों को जिला प्रशासन की टीम ने कर्नाटक के धारवाड़ से सुरक्षित वापस बुला लिया गया है। युवकों के परिजनों ने उप मुख्यमंत्री से मदद की मांग की थी। वहीं कलेक्टर के निर्देश पर दोनों श्रमिकों की लोकेशन की जानकारी लेने के लिए जिला साइबर सेल की मदद ली गई है। श्रमिकों के ठहरने की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन, प्रशासनिक श्रम विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर कर्नाटक के लिए रवाना कर दी गई है। बता दें कि दोनों युवक कर्नाटक में गन्ना कटाई का काम करते थे। वहां से कहीं भी जाने और आने नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही दोनों श्रमिकों को 32,000 का पारिश्रमिक भी दिया गया है। कवर्धा से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। बाकी कौन सा जिला आता है? कबीरधाम से। अच्छा, कहाँ गए थे आप लोग? नागपुर। कौन ले गया था? राजू। उसके बाद फिर ले गया हमको नांदेड़ से, दो चार दिन रखा, उसके बाद ले गया था हमको कर्नाटक में काम करवाया दो चार दिन। उसके बाद फिर मारने पीटने लगा, बहुत परेशान थे हम लोग। खाना पीना में भी कुछ यहाँ नहीं, दाल में भी सुर नहीं, खाना में भी सुर नहीं। फिर हम लोग घर आना चाहते थे, मारपीट करते थे। फिर यहाँ किसको संपर्क किए तो फिर यहाँ आए? विजय शर्मा, हमारे विधायक और मुख्यमंत्री के संपर्क में आया सर। वो बोली कि वकील साहब कर जाओ, तो वकील साहब फिर कलेक्टर महोदय बात करी, ओकर बाद बात करे के बाद फिर यहाँ कवर्धा के पूरा टीम लग पहुँचाई, आयकर विभाग वाले पूरा सहयोग दे और कुछ पुलिस वाले गए रहने, तब इन लड़का मन ला जाए कि लाई साहब। हम डिप्टी सीएम के और कलेक्टर साहब के बहुत बहुत आभारी हैं सर, हमारे कम से कम अच्छा सातवा लड़का पहुंच गए, हम देख रहे आभारी हैं। ग्राम बाकी विकास खंड बोलला के दो युवक शशिकांत यादव और गंगा प्रसाद परस्ते, जो कि कमाने खाने कर्नाटक जिला धारवाड़ के ग्राम कलघट्टी गए थे, वहाँ उन्हें बलपूर्वक कार्य लिया जा रहा था, जिसकी शिकायत उनके द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष किया गया। कलेक्टर महोदय द्वारा श्रम विभाग को आदेशित करते हुए तत्काल टीम गठित कर श्रमिकों को लाने हेतु आदेशित किया गया।